अपराधी उनके साथ है, वो पूरा इस उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा आतंक फैलाए हुए हैं, लोगों की जमीनों पे कब्जा हो रहा है और बहुत मजबूती के साथ लोग कर रहे हैं। और जो अब वो सारे अपराधी अब बीजेपी में चले गए हैं, इसलिए बीजेपी ये कह रही है कि अब अपराधी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी समय पर वार करती है और इस सरकार को अगर कोई गिरा सकता है, कोई हटा सकता है, तो सिर्फ अकेली नेता है बहन कुमारी मायावती। और आज देश की सभी जो इस तरह की पार्टियां हैं, जो पूंजीपतियों के इशारे पे काम कर दिया, पूंजीपतियों के लिए काम कर रही हैं, उनको डर है तो सिर्फ और बहुजन समाज पार्टी से, बहन कुमारी मायावती से। बीजेपी के अंदर दम नहीं है जो बहन कुमारी मायावती की तरफ उंगली उठा दे, हाथ उठा दे। और आप ये समझिए वो स्वार्थी लोग हैं और जिनको बीएसपी ने जीरो से हीरो बनाया, अगर वो गए तो बीएसपी तो एक फैक्ट्री है ना, अगर वो प्रोडक्ट कहीं चला गया तो चला गया, हम फिर नए लोगों को मौका देंगे। समय लगेगा ना। जैसे सांसद अकेला गया है, उसके साथ कोई वोट नहीं है, कोई पब्लिक नहीं उसके साथ। गुड्डू जमाली के पास वोट नहीं था। गुड्डू जमाली को बीएसपी ने पहचान दिया, इसके पहले भी गुड्डू जमाली थे वहां पर, कोई जानता तक नहीं था। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई बेहतर दे सकता है तो सिर्फ बहन कुमारी मायावती। ये कहा जाता है कि योगी सरकार में जितने भी लोग माफिया हैं, दबंग हैं, उस सब के ऊपर की तो बुलडोजर चल जा रहा है। बुलडोजर चढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो टेनी का लड़का किसानों को ऊपर जाके गाड़ी चढ़ा दिया, राउंड दिया किसानों को, तो उनके घर पे क्यों नहीं बुलडोजर। ये तो जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां हैं, वो नरेंद्र मोदी के ऊपर, भाजपा के ऊपर, अमित शाह के ऊपर, जेपी नड्डा के ऊपर, योगी जी के ऊपर बड़ा मुखरता से जो है सवाल पूछती हैं, उनसे उनके ऊपर कटाक्ष करती हैं। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती का इस पे कोई स्टैंड, कोई खास विपक्ष को लेकर उतना जिस तरीके से घेराव करना चाहिए, बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रहता है, कैसे देखते हैं? देखिए, बसपा अनुशासित पार्टी है और बसपा कैडर बेस्ड पार्टी है, बसपा विचारों की पार्टी है। बसपा हो हल्ला करने वाली पार्टी नहीं है, हुड़दंगबाजी नहीं करती है। लेकिन आप इतिहास गवाह है, अगर सही मायने में अगर अटैक करना जिस दिन होगा उस दिन बीएसपी ही अटैक करती है। और इसका उदाहरण है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी इस देश के अंदर और एक वोट से गिरी थी, और एक वोट से गिराने वाली बहुजन समाज पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी समय पर वार करती है और इस सरकार को अगर कोई गिरा सकता है, कोई हटा सकता है, तो सिर्फ अकेली नेता है बहन कुमारी मायावती। और आज देश की सभी जो इस तरह की पार्टियां हैं, जो पूंजीपतियों के इशारे पे काम कर दिया, पूंजीपतियों के लिए काम कर रही हैं, उनको डर है तो सिर्फ और बहुजन समाज पार्टी से, बहन कुमारी मायावती से डर। लेकिन ऐसा लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से, ईडी, सीबीआई से मायावती डरती हैं, इसलिए सॉफ्ट कॉर्नर बीजेपी को लेकर चलते हैं। बीजेपी के अंदर दम नहीं है भाई साहब, बीजेपी के अंदर दम नहीं है जो बहन कुमारी मायावती की तरफ उंगली उठा दे, हाथ उठा दे। और आप ये समझिए इंडिया अलायंस के साथ नहीं, नहीं इसलिए नहीं, बीएसपी को आधार बढ़ाना, पूरे देश भर में अपना जनाधार बढ़ाना। बीएसपी कुछ सीटों पे क्यों, राष्ट्रीय पार्टी है बीएसपी। लगातार सांसद जो आपके छोड़ के जा रहे हैं, वो कई लोग चले भी गए, देखिए आजमगढ़ से गुड्डू जमाली भी चले गए। वो स्वार्थी लोग हैं और जिनको बीएसपी ने जीरो से हीरो बनाया, अगर वो गए तो बीएसपी तो एक फैक्ट्री है ना, अगर वो प्रोडक्ट कहीं चला गया तो चला गया, हम फिर नए लोगों को मौका देंगे। समय लगेगा ना? नहीं, बिल्कुल समय नहीं लगेगा। बीएसपी तो तैयार खड़ी है ना, अभी चुनाव आएगा हम कई और सांसद खड़ा कर लेंगे। अभी चुनाव आएगा हम कई और सांसद गए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, इससे कोई, जैसे सांसद अकेला गया है, उसके साथ कोई वोट नहीं है, कोई पब्लिक नहीं उसके साथ। जमाली के पास वोट नहीं था। गुड्डू जमाली को बीएसपी ने पहचान दिया, इसके पहले भी गुड्डू जमाली थे वहां पर, कोई जानता तक नहीं था। उपचुनाव जो आजमगढ़ में उपचुनाव 2022 हुआ, उस वो त्रिकोणी इस वजह से हो पाया क्योंकि गुड्डू जमाली वहां पे, इसलिए कि बसपा के वो प्रत्याशी से, वही गुड्डू जमाली निर्दल भी लड़े हैं, जो 22,000 के वोट के नीचे भी पाए हैं, ठीक है। तो आज जो 3 लाख 2 लाख वोट दिखाई दे रहा है ना, वो बसपा का वोट है, गुड्डू जमाली का वोट थोड़ी है। किसके तरफ जाने वाला है वो सब? वो बसपा का वोट बसपा के साथ रहेगा, और बसपा के अलावा जो बेस है उसके अलावा, चाहे अपर कास्ट के लोग हों, चाहे बैकवर्ड समाज के लोग हों, जो न्याय पसंद लोग हैं, वो सारे लोग बहुजन समाज पार्टी की तरफ बहुत आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं। क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर अगर कोई बेहतर दे सकता है तो सिर्फ बहन कुमारी मायावती। अगर डेवलपमेंट कोई दे सकता है, तमाम लोग ये मानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर कोई मेंटेन नहीं कर पाता। ये तो भारतीय जनता पार्टी अगर ये बात कहे कि लॉ एंड ऑर्डर वो मेंटेन करते हैं, आज उनके जमाने में ही आप देख रहे हैं कि धनंजय सिंह आप जेल गए हैं, ठीक है। बाकी लोगों को तो खूब वो करते हैं, इनकाउंटर करा रहे हैं, फर्जी इनकाउंटर करा रहे हैं तमाम ऐसे जगहों पे। अभी धनंजय सिंह अब जेल गए हैं, लेकिन वही धनंजय सिंह पिछले 2 सालों से बाहर घूम रहे थे, नहीं घूम रहे थे, उनके ऊपर वारंट था, पूरे प्रदेश की पुलिस कहती थी मिल नहीं रहे हैं, और क्रिकेट खेलते थे और जाके फोटो वायरल होता था। तो ये यही इनका लाइनर, सारे अपराधी बाहर हैं,
कहाँ अपराधी जो, हाँ लेकिन अब वो कौन अपराधी बाहर हैं जरा उनको भी चिन्हित कर लीजिएगा। नहीं, ये कहा जाता है कि योगी सरकार में जितने भी लोग माफिया हैं, दबंग हैं, उस सब के ऊपर की तो बुलडोजर चल जा रहा है। बुलडोजर चढ़ाने की बात कर रहे हैं, लेकिन वो टेनी का लड़का किसानों को ऊपर जाके गाड़ी चढ़ा दिया, राउंड दिया किसानों को, तो उनके घर पे क्यों नहीं बुलडोजर? ये तो मिल गया, फिर से मिल गया टिकट उनको। ये राजनीतिक अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण अगर कहीं मिलता है तो वो भारतीय जनता पार्टी में मिलता है। जो अपराधी उनके साथ है वो पूरा इस उत्तर प्रदेश के अंदर पूरा आतंक फैलाए हुए हैं, लोगों की जमीनों पे कब्जा हो रहा है और बहुत मजबूती के साथ लोग कर रहे हैं। और जो अब वो सारे अपराधी अब बीजेपी में चले गए हैं, इसलिए बीजेपी ये कह रही है कि अब अपराधी नहीं है, क्योंकि वो सारे अपराधी उनके पास चले गए हैं। जैसे घोटालेबाज सारे उनके पास चले गए, वैसे ही सारे अपराधी उनके पास चले गए, इसीलिए वो कह रहे हैं कि कोई अपराधी नहीं है।